हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम अलैकुम, होप यू आर हैविंग अमेजिंग डे। दिस इज सिंह सनी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल द बैंकर्स किचन। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे वीडियोस देख रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट स्किप द वीडियो। वेजिटेरियन बंदे के पास मोस्टली एक ही ऑप्शन होती है, वो है पनीर। सो आज हम पनीर की एक नई डिश बनाने जा रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड पनीर टिक्का मसाला। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम थोड़ा सा दही लेंगे, उसमें रोस्ट किया हुआ बेसन डालेंगे। बेसन को हमने भून लिया है हल्का सा, उसमें हम दो चुटकी अजवाइन की और सूखी मेथी ऐड करेंगे। साथ ही में हम थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट, नमक आपके स्वाद अनुसार, हाफ स्पून ऑफ रेड चिल्ली पाउडर, हाफ स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड करेंगे। ये हम इसकी पनीर की मैरिनेशन रेडी कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा हम चाट मसाला ऐड करेंगे इसमें। ये सब ऐड करने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट एक टीस्पून, इस सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं कंफ्यूज हो गया था, वो टीस्पून बोलते हैं या उसको सर्विस स्पून बोलते हैं। नाउ विल बी एडिंग हॉट ऑयल, सरसों का तेल जिसको हमने गर्म कर लिया है उसको हम ऐड करेंगे। हाफ नींबू को इसमें नींबू का रस यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे एक पूरा नींबू यूज़ कर लिया है, बट मेरा वाला पनीर टिक्का मसाला ज़्यादा खट्टा हो गया था। आप हाफ लेमन का ही इस्तेमाल कीजिएगा। मिक्स इट वेल। फ्रेंड्स, ये हम आज जुगाड़ कर रहे हैं, जो भी इसका पनीर टिक्का बना रहे हैं ना, ये सब हम जुगाड़ ही करेंगे। हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है या कोयले नहीं हैं जिस पे हम इसको अच्छे से वो कर सकें। अभी इसमें हम प्याज, कैप्सिकम, टमेटोज एंड पनीर ये सब मिक्स करेंगे। इसकी कोटिंग अच्छे से कर लेंगे और इसको हम 20 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे ताकि इसका जो भी फ्लेवर है इसमें ऐड हो सके। मोस्टली जब हम कोई भी चीज़ टिक्का बनाते हैं, किसी भी चीज़ का पनीर टिक्का या नॉन वेज टिक्का, उसके लिए हमें कोयले एंड सीख की ज़रूरत पड़ती है। बट आज हम पैन में बनाएंगे नए तरीके से। पैन में थोड़ा सा गर्म ऑयल लेके, तेल लेके, सरसों का, उसमें जो भी ये मैरिनेशन में हमने सारा कुछ छोड़ रखा था, इसको सारे को एक बार में पैन में हम ऐड करेंगे और हाई हीट पर इसको पकाएँगे। पैन पे अच्छे से फैला के हाई हीट पे इसको 5 मिनट के लिए ऐसे पकने दो। आप देख सकते हो नीचे वो लगना शुरू हो गया, जो क्रंची स्मोकी फ्लेवर आता है ना कोयले के थ्रू, तो वही आने लगा है हमारा भी। ये हाफ डन तो ऐसे ही हो जाएगा जब हम पकाएंगे इसको। 5 से 7 मिनट तक हमने ऐसे पकाना है। आप देख सकते हो पनीर के ऊपर वही फ्लेवर आ गया है, टोटली वही रंगत आ गई है। नाउ एक कढ़ाई में हम रिफाइंड ऑयल लेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे और कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। ये क्वांटिटी आप पे डिपेंड करता है, आपने कितना पनीर बना रहे हो, आप कितनी क्वांटिटी उसमें मिक्स करोगे। ये जस्ट रफली आइडिया दे रहा हूँ मैं। आई एम यूजिंग 200 ग्राम्स पनीर। तो इसमें अभी फिर से जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे हम। पेस्ट को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लो। पाँच मिनट इसको पकाने के बाद हमने इसमें टमेटोज ग्रेवी, जो प्यूरी है टमाटर की, वो ऐड करी है। साथ ही में हम हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून ऑफ गर्म मसाला, ये सब ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। सॉरी, वाटर का मैं वो शॉट ले नहीं पाया। थोड़ा सा वाटर ऐड करने के बाद इसको पकाएंगे 3-4 मिनट के लिए। बाद में सूखी मेथी इसमें स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा सूखी मेथी इसमें ऐड कर लीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत एनहांस हो जाएगा। गाइस, इसमें ज़्यादा ना
झंझट नहीं है बनाने के लिए, जस्ट क्विक रेसिपी है, जल्दी बन जाती है। देखने में लगता है पता नहीं क्या होगा, बिकॉज़ हाफ डन तो हमने वैसे ही फ्राई करने के टाइम ही कर लिया उसको, जो हमने पनीर को किया था मैरिनेशन के साथ। अभी जो मैरिनेटेड पनीर है जो हमने ऑलरेडी पका रखा है उसको हम इसमें मिक्स करेंगे और 4-5 मिनट के लिए हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। को आप देख रहे होंगे इसमें इसकी कंसिस्टेंसी अभी थिक है। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो सके। थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है, ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी इसकी, जस्ट थोड़ी सी। ये देखिए कितना पानी ऐड किया मैंने, 2-3 सिप्स, 1/4 ग्लास। अभी देखना आप इसकी कंसिस्टेंसी कैसे चेंज होती है। कितनी रिच लुक आ रही है ना इसकी फ्रेंड्स। अभी बस 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे, देन हमारा पनीर बन के रेडी हो जाएगा और आप इसको बटर नान के साथ, परांठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो। साथ में सिरका प्याज ज़रूर ले लेना, वो मज़े अलग से देगा। मोस्टली लेडीज़ जब काम करती हैं ना, उनको लगता है कि पता नहीं कितना किचन में काम कर लिया। आई अप्रिशिएट कि वो काम बहुत करती है, सारा दिन घर संभालती है, बट कुकिंग इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना वो प्रिटेंड करती है या शो ऑफ करती हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सो हमारा पनीर टिक्का मसाला इज़ ऑलमोस्ट डन, बन के रेडी है। अभी हम इसको गैस को बंद करेंगे और इसको किसी बाउल में सर्व करेंगे। और देखिए ये आप गर्म गर्म ब्रेड के साथ भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप यू विल लाइक द वीडियो। आगे से ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।